सुबह सुबह हर रोज किचन की हालत ऐसे ही होती है। ऐसे में मन करता है कि एक कप पहले चाय पियो, उसके बाद फिर से किचन में लगेंगे। पर आज हम किचन में बिना चाय पिए लगते हैं, पहले सफाई करेंगे बाद में हम चाय पियेंगे। तो इनसे मिलिए, ये हैं सीमा जी। इनके बगैर हमारे घर का काम अधूरा है, इनके बगैर मैं घर के काम के बारे में सोच भी नहीं सकती। बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है इनकी वजह से। तो किचन की सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी है और थोड़े बर्तन और रह गए हैं जिसे धोकर बस सीमा लगा रही है, और जो भी थोड़ा बहुत छूट जाएगा ना वो फाइनल टच मैं दे दूँगी और किचन हमारा एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो हमारे घर में सबसे पहले काम किचन का होता है, उसके बाद बाकी की साफ़ सफाई होती है। तो सबसे पहले किचन का काम निपटा कर फिर सीमा जो है पूरे घर की सफाई करती है। तो किचन के जो बड़े बड़े बर्तन हैं ना, उसमें काफ़ी मेहनत लगता है, जैसे तवा, कढ़ाई, कुकर, इन सबको बहुत अच्छे से साफ़ करना हो तो वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो साफ़ सफाई तो अपनी हो चुकी है और सिंक विंक सारे साफ़ हो चुके हैं। और थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है कि मुझे इन सब कामों में इतना मज़ा कैसे आता है। रियली मुझे ना इन सब कामों में बहुत मज़ा आता है और किचन की सफाई तो हमारा फेवरेट काम में से एक है। तो बस सीमा भी हमारा साथ देती है और बड़े मज़े में हमारी किचन की सफाई हो जाती है। तो बस देखो, फाइनल हमारी सफाई किचन की हो चुकी है। पानी वानी जो भी गिरा हुआ था सबको सीमा ने पोंछ दिया है। तो चलो भाई, सीमा का तो काम हो चुका है और अब मैं लग जाती हूँ काम पर। तो थोड़ा बहुत जो इधर उधर चीज़ें रखी हुई है उसको मैं जगह पर रखूँगी, जैसे इस स्टैंड को हमने लगा देना है चूल्हे में। तो एक बार बहुत अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए किचन का तो पूरा दिन साफ़ सुथरा रहता है और जब भी वीडियो बनाना हो बड़े मज़े में बना सकते हैं। सच्ची में बहुत आसान हो जाता है। तो तवे को भी पोंछ कर सुखा कर रखा है, क्योंकि गीला छोड़ दिया ना तो इसमें जंग लग जाएगा, तो हमेशा हम पोंछ के रखते हैं। और इसी तरह से सिंक को भी थोड़ा सूखे कपड़े से पोंछ देना है, क्योंकि हमारे यहाँ का पानी थोड़ा खारा है और खारे पानी से ना हमेशा जंग सा लग जाता है। तो जब भी मौका मिलता है मैं सूखे कपड़े से एक बार पोंछ देती हूँ ताकि सिंक में बिल्कुल भी जंग ना लगे। अगर छोड़ दोगे ना तो वाकई जंग लग जाता है। तो मैं रोज़ इसी तरह से किचन की साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि हमें कॉकरोच और चूहे से बहुत डर लगता है। अगर आपके घर में भी चूहे और कॉकरोच है तो किचन की सफाई का पूरा ध्यान रखें बिल्कुल मेरी तरह। तो रोज़ इस तरह की सफाई ज़रूर करें। अगर थोड़ा सा भी अनाज या सब्जियाँ आपने ऐसे छोड़ी हुई हैं तो ज़रूर आएंगे चूहे और कॉकरोच, जो कि आपके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो किचन की साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो और कैसी लगी आज की मेरी ये किचन की साफ़ सफाई, लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू।